नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान साथियों, योगी सरकार ने डेयरी किसानों को गांव में ही दूध का उचित दाम मिले इसके लिए हाल ही में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा डेयरी मिशन की जो शुरुआत है वो कर दी है। इसके तहत सरकार गांव में डेयरी किसानों को बाजार की जो सुविधाएं मुहैया करवाएगी। इस मिशन के तहत एक तरफ प्रति पशु दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए मुकम्मल जो उपाय है वो किए जाएंगे जिससे डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में जो डेयरी किसान है उनको भी मुनाफा बढ़ेगा। इसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं की जो हिस्सेदारी उसको बढ़ाना है। अंतिम तौर पर इस सबका लाभ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लक्ष्य की पूर्ति के रूप में मिलेगा। इसके लिए सरकार ने विकसित देशों में पशुपालन के क्षेत्र में प्रचालित प्रोसेसिंग डेयरी फार्मिंग को यूपी के किसानों में प्रोत्साहित करने का फैसला भी किया। बिहार सरकार के कृषि विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल का कहना कि देश के कई राज्यों में खेती करने के लिए बिहार के मजदूरों का अहम भूमिका होती है। यहाँ के जो लोग हैं वो किसानी में अच्छा अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य एग्रो इकोनॉमी में काफी मजबूत है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है जिसकी खेती पर निर्भरता भारत में सबसे ज्यादा है। बिहार सरकार द्वारा 3-3 रोड मैपों को बनाकर कार्यान्वित किया जा चुका है और चौथा रोड मैप अभी बन रहा है। कृषि लागत मूल्य बढ़ा एग्रीकल्चर प्राइसिंग का एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। कृषि में कई चुनौतियां आई हैं, इनसे निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसान की आय पर्याप्त नहीं होगी तो वे बाहर जाने के लिए मजबूर होंगे। फसलों का जो मूल्य है, लागत मूल्य वो बढ़ा है, इससे कैसे कम किया जाए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय की जो भूमिका है वो अहम रहने वाली है। राजस्थान अपनी विविधतापूर्वक संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है, लेकिन जब आप इसकी खेती किसानी की ओर ध्यान देते हैं तो यह विविधता इनमें पूरी तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन विविधता पशुपालन में भी सफेद दिखाई देती है। दरअसल राजस्थान में मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति भी है जो कड़कनाथ को टक्कर देती है। इस प्रजाति का नाम प्रतापधन है। ग्रामीण क्षेत्र में केवीके की ओर से किसानों और मुर्गी पालकों के लिए यह मुर्गे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे गांव में लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। मुर्गे की इस प्रजाति को साल 2016 में उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया था। इसे यूनिवर्सिटी से जुड़े केवीके में भी भेजा जाता है। राजस्थान के साथ साथ देश के कई हिस्सों में इस प्रजाति के मुर्गे की जो मुर्गियां हैं उनकी अच्छी डिमांड रहती है। तो अगर आप भी मुर्गी पालन करते हैं तो आप भी इस प्रजाति को रख के अपना जो मुनाफा उसको बढ़ा सकते हैं। अजमेर जिले के पुष्कर में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े पशु मेले में से एक मेला लगता है। इसलिए दूसरे राज्यों से कई लोग स्थायी रूप से पशुओं की सजावट का सामान बेचने के लिए यहाँ आ गए हैं। सैकड़ों जो दुकानें हैं मेले के वक्त यहाँ पर आती हैं, लेकिन जो लोग स्थायी रूप से दुकानें लगाकर बैठे हैं उनकी कुछ परेशानियां हैं। पहले कोविड में मेला नहीं लगा था, बाद में लंबी बीमारी के कारण पिछले 2 साल से पशुओं के आने के लिए सरकार ने मनाही कर दी है। ऐसे में इन दुकानदारों की जो आजीविका उस पर संकट आ गया है। कुछ के पास कर्ज भी है जो उसको चुकाने में असमर्थ है। इसलिए लोग इस साल सरकार से मेला लगाने और उसमें पशुओं के आने की जो मांग है वो कर रहे हैं। तो किसान साथियों, ऐसी खेती बाड़ी की जो जानकारियाँ हैं, ऐसी जो सूचनाएं हैं, ऐसी सरकारी योजनाएं परियोजनाएं उनकी जानकारी हम नित्य प्रति आपको देते रहेंगे। किसान साथियों, आज के लिए धन्यवाद। किसान साथियों, अगर खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।